हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में। और आज की जो स्टोरी है जेम्ब व्हील्स, तो देखिएगा किस तरीके से जो पहिए होते हैं, व्हील्स मींस होता है पहिए, जेम्ब हो जाना, बिल्कुल रुक जाना, बंद हो जाना, ठीक है। और इससे हमें सीख क्या मिलेगी, देखिएगा, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, मतलब सेल्फ हेल्प, अपनी खुद की मदद करना ही सबसे अच्छी मदद है ना। अगर हम दूसरे के प्रति लगातार सोचते विचार करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे ही रह जाएंगे। तो चलिएगा, थोड़ा पढ़ने से पहले थोड़ा सा और कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेल्फ हेल्प मींस क्या होता है, द हैबिट ऑफ डूइंग वंस वर्क वन सेल्फ, अपना खुद का काम खुद ही करना ही सेल्फ हेल्प होता है ना। गॉड हैज गिवन अस इंटेलिजेंस, तो बुद्धि हमें दी है, बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता हम लोगों को ईश्वर ने प्रदान की है, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ भी दी है, शारीरिक जो शक्ति है वो भी प्रदान की है। इट इज अवर ड्यूटी, और हमारे ये कर्तव्य है टू यूज देम प्रॉपरली, कि हम उनको प्रॉपरली उचित तरीके से उनका प्रयोग करें फॉर अवर बेनिफिट, हमारे अपने फायदे के लिए इन लाइफ जीवन में। गॉड हेल्प हेल्प्स देम, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है, एसीएस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट होने की वजह से एसीएस लगा है। देम हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी खुद की मदद करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। चलिए स्टोरी को डिटेल में पढ़ते हैं। इट हैड रेंड, तो देखिएगा इट हैड रेंड, बरसात हो चुकी थी, हेड लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है हेड के साथ में, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। हैवीली मींस होता है बहुत भारी बारिश हो चुकी थी, द होल नाइट का पूरा रात्रि हुई, पूरी रात, होल मींस संपूर्ण, पूरी रात्रि बरसात चलती रही। इन द मॉर्निंग, और सुबह को, इन द मॉर्निंग मींस सुबह को, द रोड्स, जितने भी रोड जो थे बर मडी, मडी मींस एकदम कीचड़ से भरे हुए, मडी मींस होता है कीचड़ से भरे हुए, एंड द पोथ होल्स होते हैं गड्ढे, और जो गड्ढे जो थे वो भी एकदम भरे हुए थे, पूरा वर फील्ड वो भरे थे टू द ब्रिम, मतलब किनारे तक, तो किनारे तक गड्ढे भी भर चुके थे। इट वॉज द डे फॉर द वीकली मार्केट, इट वॉज द डे, एक वो वाला दिन था फॉर द वीकली मार्केट, जिसमें साप्ताहिक बाजार लगता था, उस वाला दिन था। एंड राजू द फार्मर वॉज राइडिंग हिज कार्ट, तो राजू जो था, जो कि एक किसान था, बस राइडिंग, तो वो राइडिंग मतलब बैठ करके जा रहा था इस कार्ट अपने जो बैलगाड़ी थी उस पर, अलोंग द कंट्री रोड, जो गांव का रोड था, सड़क थी, उस पर निकल रहा था। ही हैड टू रीच, उसको पहुंचना था द मार्केट अर्ली, बहुत जल्दी पहुंचना था, सो दैट ही कुड सेल हिज वेजिटेबल्स, की वो अपनी सब्जियों को बेच सके। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा कठिन था फॉर द बोलक्स, जो बोलक्स थे उनके लिए, टू ड्रैग मींस खींचना द लोड, इस भारी वजन को, लोड मींस होता है वजन, तो इस भारी वजन को ढोना बड़ा मुश्किल था उन बैलों के लिए भी। थ्रो द डीप मड, थ्रो मींस के अंदर से, द डीप मींस गहरे, जो मड था, कीचड़ था, उस कीचड़ में से अब उस गाड़ी को निकालना बड़ा ही मुश्किल था, ठीक है। ऑन हिज जर्नी, अपनी इस यात्रा में, सडनली अचानक ही द व्हील्स, जो पहिए जो थे ऑफ द बोलक कार्ड, सेंक, वो डूब जाते हैं, धस जाते हैं, इनटू द मायर, मायर मींस होता है कीचड़, है ना, उसी दलदल में, कीचड़ में, जो पूर्ण रूप से उसके पहिए होते हैं वो धस जाते हैं। अब देखिएगा किस तरीके से निकलते हैं, क्या होता है, वो पूरी स्टोरी आपको पता लगेगी। यस, द मोर बोलक्स पुल्ड, तो देखिएगा जितना ज्यादा, मोर मींस अधिक, द बोलक्स मींस जो बैल जो थे पुल्ड कर रहे थे, खींच रहे थे, द डीपर व्हील सिंक, वैसे ही व्हील जो थे वो अंदर धंसते चले जा रहे थे नीचे की तरफ। राजू क्लिम्ड डाउन, तो राजू नीचे उतर करके आया फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से, एंड स्टूड बिसाइड हिज कार्ट, और स्टूड मींस खड़ा हो गया, बिसाइड मींस के पास में, बिसाइड मींस होता है पास में, ठीक है, हिज कार्ट, अपनी उसी गाड़ी के पास में खड़ा हो गया। ही सर्च्ड, और वो तलाश करने लगा ऑल अराउंड मींस चारों तरफ, बट कुड नॉट फाइंड एनीवन, लेकिन वहां उसने किसी को नहीं पाया, कोई नहीं मिला, अराउंड टू हेल्प हिम, अराउंड मींस चारों ओर टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। तो देखिएगा किस तरीके से वो उस गाड़ी को निकलवा पाता है, कैसे क्या करता है, पूरी स्टोरी को डिटेल में आपको बता रहा हूं। कर्सिंग हिज बैड लक,
अब वो कर्ज कर रहा था, कर्ज मिस होता है अपने आप को ही अभिशाप देना है ना, तो कर्ज कर रहा था अपने ही लक पर, लक मिस होता है भाग, अपने भाग को कोस रहा था। ही लुक्ड, उसने देखा सैड, बहुत ज्यादा वो दुखी दिख रहा था एंड डिफीटेड, और लग रहा था कि वो पूर्ण रूप से हार चुका था, थक चुका था। ही डिड नॉट मेक द स्लाइटेस्ट एफर्ट, और उसने पहल नहीं की, जरा सी भी किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं की टू गेट डाउन, नीचे उतर करके ऑन द व्हील, उस पहिए को हटाए एंड लिफ्ट इट अप, उसको बाहर निकाले, तो उसने कोशिश पहले तो बिल्कुल नहीं की। देखेगा फिर क्या करता है आगे, उसको भी डिटेल में आपको बताता हूं। इंस्टीड, अब देखिएगा देखो ये सब करने हैं वो, जबकि उसको निकालना चाहिए था लेकिन वो न करने के स्थान पर उसने इंस्टीड मिस के स्थान पर ही स्टार्टेड कर्सिंग, तो निकालना विकालना हेल्प तो उसने अपने आप पर मतलब ट्राई करना तो नहीं किया, लेकिन कर्स करने लगा, आरोप और उल्टा लगाने लगा, किस पर, हिज लक, अपने ही भाग्य को कोसने लगा। फॉर वॉट हैड हैपन्ड, जो कुछ भी घटित हुआ, जो कुछ भी उसके साथ में हुआ, उसका कहीं ना कहीं जो घटना जो हुई थी उसका जो है दोष, और कहीं ना कहीं मरने लगा दूसरों पर। लुकिंग अप एट द स्काई, आकाश की तरफ देखते हुए ही स्टार्टेड साउटिंग, उसने शुरुआत कर दी साउटिंग में चिल्लाने की। एट गॉड, किस पर, ईश्वर पर, ईश्वर पर ही चिल्लाने लगा। आई एम सो अनलकी, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। वाई हैज दिस हैपन्ड, आखिर क्यों घटित हुआ टू मी, मेरे टू मी, मेरे ही साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं कितना अनलकी हूं। ओ गॉड, हे भगवान, कम डाउन, नीचे आ जाओ टू हेल्प मी, ओ कम से कम तुम ही मेरी मदद कर दो आकर के, और तो कोई आ नहीं रहा, कम से कम तुम ही मेरी मदद कर दो आकर के। आफ्टर अ लॉन्ग वेट गॉड फाइनली अपीयर्ड बिफोर राजू, आफ्टर मीन्स के बाद में, अ लॉन्ग वेट, काफी लंबा इंतजार करने के बाद में गॉड जो थे फाइनली मीन्स अंत में, अपीयर्ड, अपीयर्ड मीन्स नजर आए, दिखाई दिए बिफोर राजू, ठीक राजू के सामने आ गए। ही आस्क्ड राजू, और उन्होंने राजू से पूछा, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, यू कैन मूव द कार्ड, क्या तुम्हें लगता है कि कार्ड को तुम हटा सकते हो, चला सकते हो, बाय सिंपली लुकिंग, सिंपली साधारण तरीके से लुकिंग देख करके, इट एट एंड कंप्लेनिंग अबाउट इट, अरे तुम जो है कंप्लेन करना शुरू कर दिए अबाउट इट, उसके बारे में, तो तुम क्यों खुद ही नहीं थोड़ा कोशिश कर लेते हो, जबकि तुम जो है कंप्लेन करना शुरू कर दिए हो। नोबडी विल हेल्प यू, कोई आपकी मदद नहीं करने आएगा, अनलेस, जब तक कि यू मेक सम एफर्ट, जब तक आप कोई प्रयास नहीं करेंगे तो तब तक, ऐसा नहीं कि आप सीट पे बैठे रहें है ना, दूसरों से कहे धक्का लगाओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। टू हेल्प योर सेल्फ, तो सबसे पहले तो आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ, जब थोड़ा बहुत ट्राई करने में, प्रयास करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो फिर लोग भी हेल्प कर देंगे। गेट अप, जल्दी से उठो, एंड पुट योर शोल्डर, और अपने कंधों को रखो टू व्हील, कहां, पहिए पर लगाओ जोर, एंड यू विल सून, और शीघ्र ही यू विल फाइंड द वे आउट, और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। तो है ना, इस तरीके से कर्ज करने से कुछ भी होने वाला है नहीं। राजू बास स्टिल हेजिटेंट, तो राजू अभी भी बहुत ज्यादा हेजिटेंट था, बेचैन था। ही सेड, उसने कहा, व्हाट गॉड, लेकिन ईश्वर, हाउ कैन आई डू इट ऑल अलोन, हाउ मीन्स कैसे, कैन आई डू, मैं कैसे कर सकता हूँ इट ऑल अलोन, मैं अकेले ही सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर समवन टू हेल्प मी, आई वॉज वेटिंग, मैं तो इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, फॉर समवन टू हेल्प मी, कि कोई आकर के मेरी मदद करे, मैं तो इंतजार देख रहा था। गॉड लुक्ड एट राजू, गॉड ने लुक्ड मीन्स देखा, एट राजू, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, एंड आस्क, और पूछा, कहा, इफ यू डू नॉट टेक द इनिशिएटिव, इफ मीन्स यदि, यू डू नॉट टेक द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव होती है पहल, अगर तुम खुद ही पहल नहीं करोगे, शुरुआत नहीं करोगे टू हेल्प योर सेल्फ अपनी, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे आशा कर सकते हैं अदर्स, कि अन्य लोग आकर के टू कम फॉर योर हेल्प, की तुम्हारी मदद करने के लिए कोई आएगा। भाई कम से कम पहले तुम्हें ट्राई तो करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं पहले स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। राजू बाज असेम, असेम देखिएगा होता है शर्मिंदा होना, तो अपने आप पर उसको लज्जा आ जाती है, शर्मा जाता है ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप पर ही। ही बेंट डाउन, और देखिएगा बेंट मीन्स झुकना, डाउन मीन्स नीचे की तरफ, वो झुका नीचे की तरफ, एंड पुट हिज शोल्डर, अपना जो कंधा था उसको लगाया टू द व्हील, इस पहिए पर कंधा लगाया,
इन नो टाइम, और कुछ भी समय नहीं लगा, द व्हील वाज आउट ऑफ द मायर, जो कीचड़ था, कीचड़ में से तुरंत जो पहिया था वो बाहर निकल आया। राजू जो था लर्न्ड हिज लेसन, उसने एक लेसन जो था वो जरूर सीख लिया था, टू बी सेल्फ रिलायंट, कि भाई आत्मनिर्भर बनना चाहिए, है ना, खुद पर भरोसा करना चाहिए। ही थैंक्ड गॉड, उसने धन्यवाद दिया किसको, ईश्वर को, एंड कैरिड, और ले गया ऑन हिज जर्नी, अपनी जो यात्रा थी उसको लगातार आगे ले गया, हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी वो आगे बढ़ गया। आगे देख लें रिफ्लेक्शन में, गॉड डज नॉट हेल्प मैन, गॉड जो होते हैं ईश्वर कभी भी किसी आदमी की मदद नहीं कर सकते हैं, किसकी, हु कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ, जो अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता तो ईश्वर भला उसकी क्या मदद करेंगे आकर के। ए सेल्फ रिलायंट मैन, जो अपने आप पर भरोसा रखता है, ऑलवेज डज हिज वर्क, हमेशा वो अपना काम करता है, ऑन हिज ऑन, अपने आप, ही यूजेस हिज ऑन स्ट्रेंथ, वो अपनी खुद की शक्तियों का प्रयोग करता है, टू फाइंड सॉल्यूशन, अलग अलग प्रकार की जो समाधान है उनको पाने के लिए, टू प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या का। नथिंग इज स्वीटर, कोई चीज इतनी आसानी से स्वीटर देन द फ्रूट्स ऑफ अवर ओन हार्डवर्क, कोई ऐसी चीज नहीं है, इतनी ज्यादा अच्छी चीज नहीं है जितना कि अपना खुद का जो हार्ड वर्किंग से प्राप्त किया हुआ चीज होती है। तो चलिए आज की स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं अनदर स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।